सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सो इस वीडियो में आप देखने वाले हैं भास्वती संस्कृत, यानी कि जो स्टूडेंट्स केंद्रिकम या कि यानी कि कोर का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए 7वां लेसन, जिसका नाम है भव्यः सत्याग्रहाश्रमः, यानी कि भव्य सत्याग्रहाश्रम, जो कि महात्मा गांधी जी का है और उन्हीं से रिलेटेड कुछ श्लोक हैं। और ये तीसरा पार्ट है। अगर आपने पिछले दोनों पार्ट अगर देख लिए हैं तो इसके तीसरे पार्ट में आपका स्वागत है। तो चलिए 13वें श्लोक से इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। बहुत केयरफुली इस वीडियो को देखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। हिंसामपि समाश्रित्य वरम मृत्यु मुखे गतम न पुनः स्वात्मरक्षार्थम कृतम निंदम पलायनम। हिंसामपि, हिंसम प्लस अपि, हिंसम यानी कि हिंसा का और अपि यानी कि भी, समाश्रित्य यानी कि आश्रित यानी कि आश्रय लेना होता है और समाश्रित यानी कि आश्रय लेना, वरम यानी कि वरदान यानी कि श्रेयस्कर, मृत्यु मुखे, मृत्यु प्लस मुखे, मृत्यु मुखे यानी कि मृत्यु के मुख में, गतम यानी कि गिरना, न यानी कि नहीं, पुनः यानी कि फिर भी, स्वात्म रक्षार्थम, स्वात्म यानी कि अपनी और रक्षार्थम यानी कि रक्षा के लिए, कृतम यानी कि किया गया कार्य और निंदम यानी कि निंदनीय, पलायनम यानी कि भागना। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। हिंसामपि यानी कि हिंसा का आश्रय लेकर भी मृत्यु के मुख में गिरना वरदान है या श्रेयस्कर है, फिर भी या लेकिन स्वात्म रक्षार्थम यानी कि अपनी रक्षा के लिए वहाँ से भाग जाना, पलायनम यानी कि भागना, निंदा के योग्य कार्य नहीं है। सो होप 13वां श्लोक आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं 14वें श्लोक। करोति मनसा हिंसा स ही भीरु पलायिता आत्मनो मृत्यु कातर्यादत्मा हिंसा करोति च। करोति यानी कि करता है, मनसा यानी कि मन से, हिंसा यानी कि हिंसा, स यानी कि वह या जो, ही यानी कि क्योंकि, और भीरु यानी कि कायर या डरपोक, पलायिता यानी कि पलायन करता है या फिर भागने वाला होता है, आत्मनो यानी कि स्वयं की या अपनी, मृत्यु यानी कि मृत्यु की, कातरियात यानी कि भय से, आत्महिंसा यानी कि आत्महिंसा, करोति यानी कि करता है, च यानी कि और, यानी कि जो मन से हिंसा करता है वह कायर तथा सच्चाई से भागने वाला होता है, और वह अपनी मृत्यु की भय से आत्महिंसा ही करता है। सो होप ये 14वां श्लोक आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं 15वें श्लोक को। अतएव मया दत्तम नाम सत्याग्रहाश्रमः सत्यानुयायुयुक्ताया विनित वसतिर्मम। अतएव यानी कि इसलिए, मया यानी कि मेरे द्वारा, दत्तम यानी कि दिया गया है, नाम यानी कि नाम, सत्याग्रहाश्रमः सत्यानुयायी यानी कि सत्य के अनुयायी यानी कि सत्य के रास्ते पर चलने वाले, और युक्ता यानी कि युक्त होने के कारण यानी कि सत्य के रास्ते पर चलने वाले से युक्त होने के कारण, तथा विनीत वसर तेर ममा, विनीत वसते यानी कि सज्जनों की बस्ती होने से, वसते यानी कि बस्ती, और विनीत यानी कि सज्जन यानी कि सज्जनों की बस्ती होने के से, ममा यानी कि मैंने। देखते हैं इसकी व्याख्या को। सत्य के रास्ते पर चलने वालों से युक्त होने के कारण तथा सज्जनों की बस्ती होने के कारण ही मैंने इस आश्रम का नाम, सत्याग्रहाश्रम का नाम दत्तम यानी कि दिया है। अतएव यानी कि इसलिए, मैंने इस आश्रम को, आश्रम यानी कि आश्रम को, सत्याग्रहाश्रम का नाम दिया है। आगे देखते हैं 16वें श्लोक को। इति सत्यादि धर्माणां मोघम बलमद्भूतम वर्णयन ग्राहयामास प्रतानी सुबहुन गुरुः। इति यानी कि इस प्रकार, सत्यादि धर्माणाम यानी कि सत्यादि धर्मों के आचरण में अमोघम यानी कि सार्थक या उचित
बलमत भूतम, अगर इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो बलम प्लस अद्भुतम, अद्भुतम यानी कि व्यापक यानी कि बहुत सारा, और बलम यानी कि बल यानी कि बहुत सारा बल। वर्णयन यानी कि वर्णन करते हुए। ग्राह्यामास यानी कि ग्रहण कराएं या स्वीकार कराएं। व्रतानि यानी कि व्रतों को। सुबहुन बहुन यानी कि बहुत सारे, और सु यानी कि अनेक लोगों को यानी कि बहुत सारे लोगों को। गुरुहु यानी कि आचार्य, और आचार्य कौन है यहाँ पर? महात्मा गांधी। देखते हैं इसकी व्याख्या को। इस प्रकार सत्यादि धर्मों के आचरण में उचित और बहुत सारा बल होता है, ऐसा वर्णन करते हुए गुरु यानी कि आचार्य महात्मा गांधी ने अनेक लोगों को व्रत ग्रहण करवाए। आगे देखते हैं 17वें श्लोक को। अपराधे कृति अप्यन्नेह सत्य सारे तदाश्रमे स्वीकृत्य दोष सर्वस्वमु पवासैस तपस्यति। अपराधी यानी कि अपराध किए जाने पर कृति अप्यन्नेह, इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो कृते प्लस अपि प्लस अन्नेह, अन्ने यानी कि दूसरे और अपि यानी कि भी, कृते यानी कि करने पर सत्य सारे यानी कि सत्य के सार के रूप में। तदाश्रमे तत् प्लस आश्रमे, तत् यानि कि उस और आश्रमे यानि कि आश्रम में। स्वीकृत्य यानि कि स्वीकार करके दोष सर्वस्व, दोष सर्वस्वम यानि कि सभी दोषों को। उपवासेह यानि कि उपवासों के द्वारा, और तपस्यति यानि कि तपस्या करते थे। देखते हैं इसकी व्याख्या को। सत्य के सार के रूप में उस आश्रम में अन्य लोगों के द्वारा किए गए अपराध किए जाने पर उन सभी दोषों को स्वीकार करके महात्मा गांधी उपवास करके तपस्यति यानि कि तपस्या करते थे। तो सो होप ये 17वां श्लोक आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं 18वें श्लोक को। आश्रमाद बहिरन्यत्र लोकानां कलहे अपि सह स्वामीव कारणम मत्वा तत् कलंकेन दूयते। देखते हैं इस कठिन शब्दों के अर्थों को। आश्रमात यानी कि आश्रम से, बहिरन्यः रन्यत्र, बहि प्लस अन्यत्र, बहि यानी कि बाहर और अन्यत्र यानी कि दूसरे स्थान पर। लोकानाम यानी कि लोगों में, कलहे अपि यानी कि कलहे प्लस अपि, कलहे इसका मतलब होता है झगड़ा हो जाने पर, और अपि यानी कि भी यानी कि झगड़ा होने पर भी। सह यानी कि वह, वह का मतलब महात्मा गांधी। स्वमेव स्वम स्व प्लस एव यानी कि अपने को ही। कारणम यानी कि कारण, और मत्वा यानी कि मानकर। तत् यानी कि उस, कलंकेन यानी कि कलंक से, और दुयते यानी कि दुखी होते थे। देखते हैं इसकी व्याख्या को। दूसरे कहीं जगह आश्रम से बाहर लोगों में झगड़ा होने पर भी वह महात्मा गांधी अपने को ही कारण मानकर या अपने को ही दोषी मानकर उस कलंक से दुखी होते थे। आगे देखते हैं 19वें श्लोक को। आत्मवत्सर्वभूतानि पश्यतो यस्य पदानुगाः गुणैः परवशीभूता व्यवर्धन्त सहस्रशः। इस शब्द के अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो आत्मवत् प्लस सर्वभूतानि, आत्मवत् यानि कि अपनी तरह स्वयं की तरह, सर्वभूतानि यानि कि सभी लोगों में, पश्यतः यानि कि देखने वाले, और असि यानि कि उस, पदानुगाह इसका मतलब होता है अनुयायी, गुणैः यानि कि गुणों के, और परवशीभूता यानि कि वशीभूत होकर। व्यवर्धन्त यानि कि बढ़ने लगे, सहस्रशः यानि कि सहस्र यानि कि हजार होता है, और सहस्रशः यानि कि हजारों की संख्या में। देखते हैं इसकी व्याख्या को। सभी लोगों को, सर्वभूतानि यानि कि सभी लोगों को, आत्मवत् यानि कि अपने समान, पश्यतो यानि कि देखने वाले उस महात्मा के, पदानुगाह यानि कि अनुयायी यानि कि महात्मा गांधी के शिष्य, उनके गुणों के वशीभूत होकर हजारों की संख्या में बढ़ने लगे। सो होप 19वां श्लोक आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं 20वें श्लोक को और आखिरी श्लोक को।
सर्वदाप्याचरिष्यामः सत्यादिनवक्तं व्रतम् इति जातसमुत्साहैः स्वधैर्यं निश्चितं जनैः। सर्वदाः यानि कि सर्वदा या सदा यानि कि हमेशा। आचरिष्यामः यानि कि आचरण करेंगे भविष्यकाल में। सत्यादिनवकम् सत्यादि प्लस नवकम्। सत्यादि का अर्थ होता है सत्य आदि और नवकम् यानि कि नौ। व्रतम् यानि कि व्रतों का। इति यानि कि इन नौ व्रतों का। इति उस समय लगाया जाता है जब कोई वाक्य या मैटर पूरा किया जाता है तो उसके अंत में इति लगाया जाता है संस्कृत में। सो यानि कि इन सत्यादि इन नौ व्रतों का। जात समुत्साहैः यानि कि अत्यंत उत्साह के साथ। सधैर्यम यानि कि धैर्य के साथ। निश्चितम यानि कि निश्चय किया। जनैः यानि कि लोगों ने। तो देखते हैं इसकी व्याख्या को। अत्यंत उत्साहपूर्वक यानि कि अत्यंत उत्साह के साथ तथा धैर्य के साथ लोगों ने यह निश्चित किया कि हम सब सदा या हमेशा सत्य आदि इन नौ व्रतों का आचरण करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा 7वां लेसन। यहाँ पर समाप्त हुआ 3रा पार्ट। सो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।